और जो दूसरी खबर हिंदुस्तान से सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, एक एप्लीकेशन जिसे आप और हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं, उसी टिकटॉक के मशहूर अभिनेता टीम सेवन के नाम से जाने जाने वाले, उन्होंने 22 जुलाई 2019 को मॉब लिंचिंग में मारे गए एक शख्स तबरेज अंसारी के बारे में टिकटॉक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि मार जो दिया तुमने तबरेज अंसारी को, कल उसकी औलाद बदला ले तो फिर ये ना कहना कि मुसलमान दहशतगर्द होता है। तो उनके इसी वीडियो पर शिवसेना के एक लीडर जिनका नाम सोलंकी बताया जा रहा है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी है और पुलिस कुछ कानूनी कार्रवाई इस पर हो पाती उससे पहले ही टिकटॉक ने टीम सेवन के कई सारे मेंबर्स के जो है ना आईडी बैन कर दिए हैं। और बॉलीवुड में आ चुके मिस्टर पैसो, उनका भी जी म्यूजिक की तरफ से एक एल्बम सॉन्ग अपलोड किया गया था, उसे भी जी म्यूजिक की तरफ से हटा दिया गया है यूट्यूब से। ये सब कानूनी कार्रवाइयाँ कुछ कानूनी कार्रवाई होने से पहले इन सब चीज़ों का होना ये साफ दर्शाता है कि एक मुसलमान का मुसलमान के प्रति इस तरह से प्यार जताना दूसरे लोगों को बात पसंद नहीं।